हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपी ज्ञान। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहा है उसमें कितना एबसेंट होने वाला है और कितना सेफ स्कोर रहेगा आपका, उस सब चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है आपको। इसमें हम बात करेंगे कितना रहेगा सेफ स्कोर और क्या सच में इतने लोग छोड़ रहे हैं एग्जाम और कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं आपको मैं आपको बात करने वाला हूं क्या सच में हर जगह 50% से ज्यादा बच्चा एबसेंट रह रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये अभी एक न्यूज आई है हमारे, ये अभी न्यूज आई है। देखो, ये कह रहा है प्रयागराज से वरिष्ठ संपादक, रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड RBI की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि 2 दिन की परीक्षा में 37,000 अभ्यर्थियों ने, कितने ने, 37,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। पहले दिन 18,760 और दूसरे दिन 18,092 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। तो आपको क्या करने वाला है, देखिए अब हम बात करने वाले हैं। ये तो हमारा हो गया क्लियर, कितना 37,000 समथिंग 37,000 छोड़ चुके हैं। तो कितना टोटल कितना प्रतिशत आ रहा है सर, 52.33% अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 50% के अभ्यर्थी लगभग शामिल हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, सबसे इस चीज का कारण क्या है, पहले मैं कारण की बात कर लेता हूँ। इसका कारण क्या है जो इतना एग्जाम बच्चे छोड़ रहे हैं, इतना एग्जाम बच्चा छोड़ने का कारण क्या है। देखो, आप बता सकते हो कि सर 50% एबसेंट का कारण क्या है, किसका 50% एबसेंट का कारण क्या है। कारण आप अच्छे से जानते हो कि ये भर्ती कब की है आपकी, 2018 की है। कब की है, 2018 की है। तब से अब तक 2022 तक कितने साल हो चुके हैं सर, 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपना सेट हो चुके हैं, तो वो अपना एग्जाम छोड़ेंगे। एग्जाम कौन छोड़ता है, जिसकी जॉब कहीं ना कहीं लग चुकी है और जो अब आगे तैयारी नहीं कर रहा है या वो अपना सेट हो चुका है, तो वही एग्जाम छोड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो चुकी है 2018 और 2019 में 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख के लगभग आपकी भर्ती हो चुकी है। और उन सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म डाला था, लेकिन वो एग्जाम क्यों देंगे, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। उसके बाद देखो, जो ग्रुप डी की हमारी वेकेंसी हुई थी 2018 में, भर्ती हुई थी, कितनी हुई थी सर, 60,000 के समथिंग हुई थी। कितनी हुई थी, 60,000 के समथिंग हुई थी। जो आज नौकरी कर रहे हैं वो क्या फॉर्म भर के अब आपका एग्जाम देने आएंगे, नहीं, वो आप लग चुके हैं तो वो क्यों एग्जाम देंगे, वो उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया है। जो एग्जाम छोड़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। ALP की भर्ती हुई थी, उसके बाद ALP की 2018 में भर्ती हुई थी 60,000 के समथिंग ALP की, लोको पायलट की आपकी भर्ती हुई थी। उसके बाद SSC GD की आपकी 2018 में भर्ती हुई, किसकी, SSC GD की आपकी 2018-19 में भर्ती हुई थी। वो आज नौकरी कर रहे हैं, क्या वो आपको एग्जाम देने आएंगे, बिल्कुल नहीं। SSC GD की 55,000 के समथिंग क्या हुई थी, भर्ती हुई थी। इसके बाद आपको बताऊं मैं, UPSI 2021 में जो भर्ती हुई है वो कितनी हुई है, समथिंग 9,000 के लगभग। और अभी रिसेंट में आपकी लेखपाल की भर्ती हुई है, अभी रिसेंट में क्या हुई है, लेखपाल की भर्ती हुई है, और जो कि क्या है 2021 में हुई है, जो कितनी थी सर, 8,000 समथिंग थी। और इसके बाद अदर वेकेंसी भी आई है। जो ये मैंने आपकी क्या बताई है सर, ये मैंने मोटा मोटा आपको हिसाब लगाया, अदर भर्ती भी आई है। तो टोटल अगर इनको जोड़ू तो ये समथिंग 4 से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं, 4 से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं। तो वो एग्जाम देंगे, बिल्कुल नहीं एग्जाम देंगे। तो आपको अब क्या करना है, अपनी तैयारी को किस प्रकार बनाए रखना है और हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं सर मैथ में कैसा स्कोर आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सर। अर्थमेटिक की बात करूं तो आपके 19 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने, 19 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एडवांस मैथ की बात करूं सर, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने, 5 से 6 क्वेश्चन। और इजी टू मॉडरेट पेपर है, सबसे आसान जो आ रहा है आपका मैथ आ रहा है। और इसके बाद सर मॉडरेट
मॉडरेट आपकी क्या आ रही है, रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग क्या आ रही है, मॉडरेट आ रही है और टाइम टेकिंग आ रही है, टाइम टेकिंग आ रही है, तो आपको रीजनिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 30 नंबर की रीजनिंग आती है आपको पता है, और साइंस भी मॉडरेट आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, और आपको क्या आ रहा है सर, जीएस भी मॉडरेट आ रही है, ठीक है, मॉडरेट आ रही है। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है, सेफ स्कोर और अटेम्प्ट के बारे में बात करता हूँ सर। अगर आप मैथ में 18 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 18 से 19 क्वेश्चन सही से ही अटेम्प्ट करते हैं, और रीजनिंग में आप 23 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, रीजनिंग में कितने, 23 से 25, और साइंस में आप कितना करोगे सर, 25 में से 12 से 14 अगर अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट की बात नहीं सही करने की बात है ये, 10 से 12 आप जीएस में सही करते हैं, तो आपका स्कोर क्या बनने वाला है सर। अगर इनकी जोड़ने की बात करूं, 8 और 3 11 और 2 13 का 3 और हासिल 1 2 4 6, यानी कि 6 63 से आपका 70 रहने वाला है, यानी कि ये जो है आपका 63 से 70 क्या है, आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप आपका स्कोर 63 से 70 के बीच में, तो आप सेफ हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको मैं बता ही चुका था, और आगे मैं बात करता हूँ सर, आपका सेफ स्कोर की मैंने बात कर ली है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करके आना है, आपको एक्यूरेसी पर ध्यान रहना है, 63 से 70 के बीच में अगर आपका आपका सही है तो आप निश्चिंत हो जाइए, सिलेक्शन आपका पक्का है। और 2018-19 की बात करूं, और 2020 सॉरी 2022 के बारे में पेपर के अंतर क्या है, तो सर थोड़ा सा ये क्या हुआ है, मॉडरेट हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है, हार्ड हुआ है, ठीक है, हार्ड तो होना ही था, क्योंकि 2019 में इतना कंपटीशन नहीं था, और 2020 में 3 से 4 साल हो चुके हैं आपकी, 2018-19 की वैकेंसी थी ये, ठीक है, तो इतना कंपटीशन नहीं था तब, और अब थोड़ा सा कंपटीशन है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी में लग जाना है और ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखूंगा, तो आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।